स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आए हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग रूट जो लेसन है जो कि क्लास 12 के एग्ज़ाम में आने के लिए ये इससे इम्पॉर्टेंट एक लाइनिंग आएगा जिससे 6 मार्क्स आप लोगों को प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने हमारे कई सारे वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के हर एक लेसन का डिटेल वीडियो है, चाहे वो शॉर्ट हो क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से उपलब्ध हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और कुछ लेसन का डिस्कशन आज मैं करूंगा जिसे आप लोग पूरा देख लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग रूट जो लेसन है इसे लिखा है APJ अब्दुल कलाम ने। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है और ये जो लेसन है वो लिया गया है डॉक्टर कलाम के ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से। ये याद रखिएगा। इस पाठ में जो इम्पोर्टेंट लाइनिंग है उसका केवल मैं डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं 2022 में ये लाइनिंग आया था, आई नॉर्मली एट विथ माई मदर। ये लाइनिंग आया था और पूछा गया था कि कौन अपनी माँ के साथ खाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी माँ के साथ खाते हैं। उनकी माँ का नाम पूछा गया था तो उनकी माँ का नाम आप सभी को पता है कि असीयम्मा जो है उनकी माँ का नाम है। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन है और पूछा गया था कि कहाँ खाते हैं, क्या क्या खाते थे। ये पूरा पैराग्राफ आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे एक बार कि कलाम जो है कहाँ पर खाते थे और क्या क्या पूरा जो है खाते थे। तो यहाँ पे लिखा गया आई नॉर्मली एट विथ माई मदर सीटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, यानी किचन के ज़मीन के ऊपर बैठ के खाते थे, ज़मीन पर, किचन में ज़मीन पे बैठते थे। सी वुड प्लेस ए बनाना लीफ बिफोर मी, और वो बनाना के यानी कि केले के पत्ते पे खाते थे। उसमें क्या क्या खाते थे तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर राइस, अरोमेटिक सांभर और होममेड पिकल और कोकोनट, फ्रेश कोकोनट चटनी। चार चीज़ याद रखिएगा, राइस, सांभर, पिकल और चटनी, ठीक है, तो अचार और चटनी, ये चारों चीज़ें खाते थे। तो इस लेसन में कई सारे इंपॉर्टेंट लाइनिंग है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ जो कि पहले मद्रास स्टेट में था, अभी तमिलनाडु में है। पिता का नाम जैनुलाब्दीन जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी माँ का नाम असीयम्मा था जो कि आइडियल हेल्पमेट थे उनके उनकी पिता का। फिर कलाम की मदर के रिलेटिव को बहादुर का उपाधि ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। कलाम जो है एनिस्ट्रियल प्राचीन घर में रहते थे जो कि मिडिल ऑफ द 19वीं सेंचुरी में बना था। एक बड़ा सा पक्का घर था इनका और मेड ऑफ लाइम स्टोन ब्रिक, चूना पत्थर ईंटों से बना था, ऑन द मोस्की स्ट्रीट रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम में मस्जिद के रास्ते में था। यहाँ पे पेज पे देख सकते हैं यहाँ पर कि एक लाइनिंग यहाँ से पूछा गया था कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन वुड बी सीटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हिम, यानी अलग अलग धर्म के लोग उनका बाहर में बैठ के इंतज़ार करते थे। तो ये भी एक लाइनिंग है, किनका इंतज़ार करते थे, तो कलाम के फादर जैनुलाब्दीन का। कौन इंतज़ार करते थे, तो वैसे लोग, ज़रूरतमंद लोग जिनके घर में कोई बीमार है उनको, वही लोग पानी लेकर आते थे पढ़ाने के लिए यानी सेंटिफिकेशन करवाने के लिए। तो कलाम के पिताजी कैसे सेंटिफिकेशन करते थे तो देख सकते हैं, मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बॉल ऑफ वाटर, पानी से भरा कटोरा कलाम के फादर को देते थे। टू माई फादर हु वुड डीप हिज फिंगर टिप्स इन देम, उंगली का ऊपरी हिस्सा कलाम के पिताजी डुबाते थे एंड से प्रेयर, और प्रार्थना बोलते थे। दिस वाटर वॉज देन कैरीड होम, बीमार लोगों के लिए वो लोग घर ले जाते थे और थैंक्स बोलने के लिए इनके घर में आते थे, लेकिन कलाम के पिताजी बोलते थे इसके लिए अल्लाह का शुक्रिया करो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई प्रिस्ट, सबसे बड़ा पुजारी रामेश्वरम टेम्पल का पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, शिवा टेम्पल था। कलाम के पिताजी के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, ये नाम याद रखिएगा। जब भी वो लोग मिलते थे टू मैन, यानी ये दोनों, वन ऑफ द मोस्ट विवाइड मेमोरी ऑफ माय अर्ली चाइल्डहुड ऑफ टू मैन, यानी दो आदमी जब मिलते थे तो क्या डिस्कस करते थे, तो इच इन ट्रेडिशन अटायर, अपने अपने धर्म के कपड़े पहनते थे, डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर स्पिरिचुअल मैटर का है, उसे याद रखिएगा कि जब भी कलाम के पिताजी और पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री मिलते थे तो स्पिरिचुअल मैटर पे डिस्कस करते थे। यहाँ पे अगला लाइनिंग देख सकते हैं कि और भी इंपॉर्टेंट लाइनिंग यहाँ से आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइनिंग है, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यानी ये ब्रह्मांड जो है, ये प्रकृति जो है, उसमें हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। इस लाइनिंग को आप लोग सजेशन से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लाइनिंग ये लग रहा है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइनिंग है, हीज एंसर फील्ड मी विथ ए स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुजियम,
हिज एंसर फील्ड में स्ट्रेंज एनर्जी, यानी कि उनका जो उत्तर था मुझे एक नई ऊर्जा से, उत्साह से और ऊर्जा से भर देता था। तो यहाँ पे बात किया जा रहा हिज एंसर, किनका एंसर, तो कलाम के फादर जो एंसर देते थे कलाम को, वो सुनकर कलाम के अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह भर जाती थी। तो इस लाइनिंग के बारे में अगर सेशन में दिया होगा उसे भी आप लोग पढ़ेंगे, और इस लेशन में आप लोग ध्यान रखेंगे कि बातें जो हो रही है कलाम और कलाम के फादर के बीच हो रही है केवल, ठीक है। और रूटीन जो है कलाम के फादर का, ये जो पूरा रूटीन है जो कि लेट 60s में, 60 वर्ष के उम्र में कलाम के फादर का जो रूटीन था, सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद नमाज पढ़ना, उसके बाद इनके खुद के नारियल के बगीचे तक टहलने जाना जो कि 4 मील दूर था, उसके बाद रिटर्न जब होते थे, वापस जब आते थे वहाँ से, तो 1 दर्जन नारियल अपना कंधा पे रख के कलाम के फादर आते थे, उसके बाद नाश्ता करते थे, ठीक है। ये पूरा आप लोग लाइनिंग जो है अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं, उन सभी वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। धन्यवाद।